بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کوئی گفتگو کی جس میں کچھ سوالات بھی تھے. وہ چونکہ ایسے سوال تھے جن کا براہ راست تعلق علم سے ہے, تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں. ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ کے نور کا رنگ کیا ہے در حقیقت. تو یہاں کسی گفتگو میں, بلکہ ایک سے زائد مرتبہ میں نے ایک عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دو نور کے دو رنگ ہیں. ایک جو اس کی ذات کا نور ہے وہ تو بہت ہلکا لیکن انتہائی چمکدار بلو ہے, اور جو اس کی قدرت کا, اس کی خدائی کا نور ہے وہ ملکی وائٹ لیکن اس قدر چمکدار کہ وہ چمک کی ان حدوں تک جا پہنچتا ہے جہاں وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے. غالباً ان کے ذہن میں یہی ایک کنفیوژن تھا کہ میں نے اس میں کسی گفتگو کے دوران یہ کہا ہوگا کہ جہاں بحر نور مروارید ہے وہاں سیاہی ہے اور چمکدار سیاہی ہے. تو ان کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ رنگ ہے, رنگ نہیں ہے, وہ جہاں چمک اور سفیدی بے پناہ ہو جائے تو انسان کی نظر کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چمکدار سیاہی ہے. جس طرح سے ہم لوہے کو جب گرم کرتے ہیں, اب لوہا جو ہے وہ گریش بلیک ہے, جب ہم اسے گرم کرتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 450 ڈگری سینٹی گریڈ تک اپنا رنگ تھوڑا سا بدلتا ہے, اس میں سفیدی جھلکنے لگتی ہے. لیکن 500 سے 650 ڈگریز تک جاتے جاتے وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے, اور 700 ڈگریز پر وہ اتنا ریڈ ہاٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے باقاعدہ, اور اس کے بعد اس کے پگھلنے کا عمل شروع ہوتا ہے. پگھلنے کے عمل سے پہلے اور ریڈ ہاٹ کے درمیان ایک سٹیج آتی جہاں وہ وائٹ ہاٹ ہوتا ہے, وہ سفید ہو جاتا ہے بجائے سرخ ہونے کے, اس کے بعد پگھل جاتا ہے. تو اسی طرح سفیدی اگر وہ انتہائی چمکدار ہے تو آنکھوں کو اس طرح خیرہ کرتی ہے کہ وہ سیاہی چمکدار سیاہی مائل سفیدی ہو جاتی ہے. اس لیے کائنات کے اندر بھی جو دو ایبسولیوٹ ریالٹیز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جہاں زندگی نہیں ہے وہاں وہ یخ بستا ہے, کیونکہ زندگی کے پنپنے کے لیے ہم
हमें बुनियादी तौर पर तीन चीजों की जरूरत होगी, हवा, पानी और हरारत। तो जहां जिंदगी नहीं है वहां कायनात यकबस्ता है बिल्कुल। एक तो एब्सोल्यूट रियलिटी कायनात की यह है कि वो जहां जिंदगी नहीं वहां वो यकबस्ता है, और दूसरा यह है कि वह कायनात में जहां जिंदगी नहीं है वहां अंधेरा है, स्याही है, और ये वही स्याही है जिसका जिक्र मैंने किया आपसे। तो रब ताला के नूर की शिद्दत का ये आलम है कि जहां उसकी उसका नूर बरसता है वहां चीजें स्याही माइल हो जाती हैं। मक्का मकरमा में जो पहाड़ियां खाना काबा के इर्द गिर्द हैं उनकी रंगत को अगर हम देखें तो स्याही माइल हैं, जबकि उनके पीछे जो पहाड़ियां हैं वो अपने असल रंग पर हैं। और खाना काबा का जो गलाफ स्याह कर दिया गया था पहले, एक जमाने में ये ग्रीन होता था, तो वो उसकी निस्बत भी यही है कि नूर की इंतहा ये है कि चीजें ब्लैकिश दिखाई देती हैं। तीसरी एक बात उन्होंने जो पूछी थी बात यह है कि कायनात इतनी वसी है और रब ताला की कुदरत कारखाना है, कुदरत इतना वसी है। मैं अक्सर बेशतर यहां गुफ्तगू में कहता हूं कि सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतनी तफसील से किसी ने नहीं देखा जिस तरह तफसील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए तो रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मकामात दिखाते हुए ले गए थे, और वो जो मकामात थे हर मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने एक नया नाम अता फरमाया था। तो इस कदर तफसील से कायनात को सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बाकी नहीं देख पाया। होता यह है कि रब ताला किसी से राजी हुआ, उस पर मेहरबानी फरमाई और उसको कोई एक मकाम दिखा दिया। अब जो मकाम उसने देखा है उसको तो लोगों के सामने अगर वो बयान कर दे, अगर बयान कर दे और वहां कोई महफिल में बैठा हुआ आदमी ये सवाल करे कि साहब आपने ये मुझे तीसरे आसमान पर बने हुई इमारात और वहां बसने वाली मखलूक उसकी शक्ल सूरत तो बता दी, लेकिन ये बताइए कि पहले आसमान पर क्या है और दूसरे आसमान पर क्या है। अब उसको उस पर तो रहमत की अल्लाह ने कि उसको तीसरा आसमान की ज़ियारत करा दी, अब वो बेचारा क्या बताएगा कि पहले आसमान पर क्या है और दूसरे पर क्या है। इसी तरह अगर किसी ने सिदरतुल्मुंतहा को देख लिया, उस पर रहमत हुई अल्लाह की, अल्लाह ताला ने उस पर खुश होके उसको ये इनाम अता फरमाया कि सिदरतुल्मुंतहा को उसने देखा, और वो लोगों को किसी अनगार्डेड मोमेंट में जोश में आके बता दे कि वहां पर जहां से एंटर होते हैं वहां इस शक्ल का रास्ता बना हुआ है, दरवाजा बना हुआ है, या गेटवे इस तरह इस डिजाइन का है, वो ज्यादा सही लफ्ज है। वहां बैठने वाले ये धोखा खा के कि साहब ये तो बहुत पहुंचे हुए आदमी सिदरतुल्मुंतहा के गेटवे भी इन्होंने देख लिया, तो वो पूछ लिया कि साहब पांचवें आसमान पर क्या था, तो
गरीब आदमी क्या बताएगा, क्योंकि उस पर तो अल्लाह की रहमत हुई, रब ताला ने इनाम के तौर पे उसे दिखा दिया। तो अगर तो वो वाकई साहिब इल्म है, उसके पास इल्म है, तो उसे उस इल्म की वजह से अपनी अपने आजिज होने का अंदाजा है कि मैं किस हद तक मजबूर हूं और किस हद तक आजिज हूं, कितना छोटा आदमी हूं, कि मैं तो मोहताज हूं अल्लाह की रहमत का कि रब ताला अपनी रहमत के सदके मुझे कोई भी जगह दिखा दे। तो वो आपसे पलट के सीधा सीधा कह देगा कि भाई मैंने तो यही देखा था और मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर कोई मेरी तरह का इंसान है तो वो आएं बाएं शाएं करने लगेगा, आपको बहलाता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो बड़ापन नहीं है कि वो ओपनली कह सके कि साहब नहीं, मैंने तो नहीं देखा। किसी साहिब इल्म से पूछ लीजिए अगर कोई बता सके आपको। मैंने एक एग्जाम्पल उन्हें दी थी, बल्कि यहाँ किसी गुफ्तगू के दौरान ये मैंने अर्ज किया था कि एक बहुत लंबा अगर एक हॉल है, उसमें कई एक दरवाजे हैं, तो लोग जो उस हॉल के बाहर फिर रहे हैं वो अपने अपने ख्याल का इजहार करेंगे कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, देखा किसी ने नहीं है। एक आदमी को मौका मिलता है, उसका जो पहला दरवाजा है कोई खोल देता है कि लो देख लो अंदर क्या है। तो वो अंदर देखता है कि वहां कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो सबको बताता है कि भाई ये तुम जो ख्याल कर रहे हो कि अंदर ये होगा ये होगा ये होगा, वहां कुछ भी नहीं, वहां तो सिर्फ कुर्सियां पड़ी हैं। अब दूसरा आदमी है, उस पर ज्यादा रहमत हुई, तो उस हॉल का दूसरा दरवाजा किसी ने खोल कर उसे दिखा दिया, तो पता लगा अंदर कारपेट्स पड़े हुए हैं। तो लोगों से कहता है कि साहब वहां तो कुर्सियां और कारपेट भी हैं। अब जिसने कुर्सियां देखी हैं वो कहता है ये झूठ बोलता है, इसको क्या पता वहां क्या है, ये तो ऐसे ही कह रहा है कि कारपेट है। लेकिन अगर वो समझदार है तो पूछ लेगा कि तुमने कहां से देखे कारपेट, वो कहता है साहब ये दूसरा दरवाजा किसी ने खोल के मुझे दिखाया था, लाइट जलाई तो अंदर एक तरफ को कुर्सियां पड़ी थी और बाकी कारपेट थे। इसी तरह तीसरे दरवाजा कोई खोलता है देखता है, तो जितनी किसी की एक्सेस है उस हॉल को देखने की, उसने बता दिया कि उस हॉल के अंदर ये पड़ा है। तो गलत वो भी नहीं कह रहा जो कह रहा है कि कुर्सियां हैं, इसलिए कि उसने देखा ही उतना था। तो रब ताला जितनी जितनी इनायत करता है, जितनी इजाजत देता है किसी साहिब इल्म को उसके कारखाने कुदरत में झांकने की, वो इतना उससे बयान कर देता है। लेकिन कोई ये पूछे कि इससे आगे क्या है, वो नहीं बता पाएगा। तो जो इल्म के मकाम पर पहुंचा है कहीं, उसके अंदर आप दो चीजें वाज़े तौर पर पैदा होती हुई देखेंगे। ये साहिब इल्म होने की दलील है उसकी। एक तो यह है कि वो अपने बारे में दावा नहीं करेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या मेरे पास इल्म बहुत है, या ये कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, ये दावा नहीं करेगा कभी। जो जो किसी को इल्म मिलता है उसको अपने छोटे होने का एहसास उतना ही बढ़ता चला जाता है। एक तो ये उसके अंदर होगा कि
कि वो अगर आपसे कहेगा आप उससे कोई सवाल पूछें, उसको नहीं आता, तो बड़े इत्मीनान से आराम से आपको ये कह देगा कि साहब इसका मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। क्योंकि दुनिया में एक से एक इल्म वाले पड़े हैं, वो आपको दूसरी तरह रेफर कर देगा। तो एक तो उसमें दावा नहीं होगा, ये दलील है किसी के साहिब इल्म होने की। दूसरी बात ये है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। और उसके साथ साथ उसमें ये अखलाकी जुर्रत पैदा हो जाएगी कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो आपको ये कह सके कि साहब मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। इसलिए कि उसको अंदाजा हो गया है इल्म की आखिरी हद को, उसको भी पता नहीं कि क्या है। लेकिन इल्म मिलता रहा, जून जून इल्म में वो आगे बढ़ा, तो उसकी आंखें खुलती चली गईं कि इल्म यहां तक भी है। उससे आगे बढ़ता तो फिर उसको और होता है कि अच्छा इससे आगे भी इल्म था। तो एक वक्त आता है कि उसको ये यकीन हो जाता है कि इल्म बहुत दूर है, मैं तो अभी बहुत पीछे हूं। तो इस वजह से वो फिर ये कहता है कि साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये किसी के साहिब इल्म होने की ये दलील है कि वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता है। तो उसमें दावा नहीं होता कभी। और जितना ज्यादा इल्म होगा उतनी आजजी होगी बंदे में। जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो खुद इज्जत वाला है वो दूसरे को इज्जत देता है, और फकीर लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में बोल देते हैं कि जो दूसरों को इज्जत देता है रब उसको इज्जत दे देता है। जिसमें आजजी आती है रब ताला उसे अपनी मखलूक में बाइज्जत कर देता है। ये मैं एक बात इसीलिए अर्ज किया करता था, अब तो नहीं कहता, कि जो लोगों का फुटमैट बन गया रब ने उसे अपने मखलूक के सर का हेड बना दिया है। तो जिसमें आजजी है रब ताला उसे मखलूक में बाइज्जत कर देगा, और जिसमें दावा है उसके साथ सलूक इसके बरक्स हो जाता है। ये सवाल है किसी साहब के कि रब ताला ने फरमाया है मैंने जमीन और आसमान 6 दिनों में तख्लीक किए। फरमान ये है कि मैंने ये कायनात 6 दिन और 6 रातों में तख्लीक की। इसके सही तर्जुमा ये है, जब ये चीजें तख्लीक की तो उस वक्त हमारे निजाम शमसी के दिन रात वजूद में नहीं आए थे। क्या हम इसका एक दिन 50,000 साल बतौर अहदीस लें, या ये राज की बात है कि इसके एक दिन की मुद्दत का अंदाजा नहीं है। ये राज है कि रब ताला कि यहां जो टाइम स्केल है उसकी हमारे टाइम स्केल से रिलेशनशिप क्या है। लेकिन हदीस में है कि वो 1 साल
50,000 साल के, हमारे 50,000 साल के बराबर है एक दिन वहां का। तो चूंकि उस वक्त कायनात वजूद में नहीं आई थी, टाइम स्केल मैयर किया जाएगा रब्ताला ही के टाइम स्केल के साथ। इनका अगला सवाल ये है कि पिछले सवाल के मुताबिक उसने दिन का जिक्र किया है, इंसान ने जो जमीन पर दिन देखा है उसमें दिन और रात दोनों एक दिन में शामिल होते हैं, लेकिन उसके यहाँ क्या मामला होगा? पिछला सवाल मुद्दत से ताल्लुक रखता है, इस सवाल में दिन की खसूसियात जानना चाहता हूँ। तो मैंने जब आपका सवाल पढ़ा था तो शुरू में अर्ज कर दिया था कि कायनात की तख्लीक 6 दिन और 6 रात में हुई है, वो तो रब ताला ने क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है। तो आपके इस सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। ये सवाल है कि क्या लैलतुल कद्र तमाम जमीन पर एक ही रात में होती है? अगर ऐसा है तो फिर हर जगह एक वक्त में रात नहीं होती। अगर इस जमीन से बाहर निकल जाएं तो रात और दिन की टाइमिंग भी तब्दील हो जाएगी। अगर हम इसी निजाम शमसी में रहें तो इस निजाम शमसी से बाहर निकल जाएं तो दिन और रात यकसर बदल जाएंगे। क्या लैलतुल कद्र एक बाज़लो है जो रमजान के आखिरी अशरे में हर वक्त होता रहता है? हम इसी यकसुई में कमाल हासिल करके ताक रातों में इससे फैज पा सकते हैं? इसका जवाब, इस सवाल का जवाब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये समझ लें कि फजर जब आप इंग्लैंड में होते हैं तो सर्दियों में पाकिस्तान के 5 घंटे के बाद पढ़ते हैं, गर्मियों में 4 घंटे के बाद पढ़ते हैं, अमेरिका में कुछ जगहों पर 9 घंटे के बाद, कुछ जगहों पर 12 घंटे के बाद, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट का फर्क पड़ जाएगा। मगरबी और मशरकी यूरोप में 3 घंटे के बाद पढ़ेंगे आप गर्मियों में और 4 घंटे के बाद सर्दियों में। इसी तरह जो रोजा इफ्तार करते हैं हम, उसका फर्क भी है टाइम का। तो इससे एक चीज वाजे हो जाती है कि इंसान पर टाइम वो लागू होता है जिस जगह वो रह रहा है, उसका लोकल टाइम जिसका ताल्लुक सूरज से है नमाज के सिलसिले में और रोजा रखने और रोजा इफ्तार करने में, और कमरी महीने का ताल्लुक चांद से है उसके। तो इंसान पर टाइमिंग वही लागू होते हैं। इसी यही फार्मूला लैलतुल कद्र पर लागू हो जाएगा कि जो आदमी जहां रहता है उसके लोकल टाइम के मुताबिक और कमरी तारीख के मुताबिक वहां लैलतुल कद्र वाकई होगी। सिर्फ हज इससे एग्जेम्प्टेड है, इसलिए कि हज सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वह हमारे यहां हज हो नहीं सकता। हज वाकई होगा
मैदान अरफात में और मक्का मुकरमा में, तो उस पर वहीं का टाइम एप्लीकेबल है, वहीं की कमरी तारीख एप्लीकेबल है। वो अगर ये क्लियर ना मैं करूं तो फिर ये सवाल उठेगा कि हज पर क्या हुआ। तो वो चूंकि वाकई ही सिर्फ सऊदी अरेबिया में होता है, इसलिए उस पर एप्लीकेबल है वहां का लोकल टाइम और वहां की कमरी तारीख। तो लैलतुल कद्र जो है वो वाकई होगी हमारे लोकल टाइम के मुताबिक और लोकल कमरी तारीख के मुताबिक। बाकी जहां तक रहमत की बात है तो रब ताला की रहमत हर वक्त नाजिल होती रहती है, उसकी कुदरत से बईद कुछ नहीं है और ना उसको कोई जहमत होती है कि जितने भी दुनिया में टाइम जोन्स हैं वो लैलतुल कद्र को अगर वहां अलहदा अलहदा वाक़ करे तो रब ताला के लिए कुछ मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं। उसकी रहमत का नजूल तो हर वक्त होता है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वहां ज्योग्राफी के टीचर क्लास सिक्स में हमें पढ़ाते हैं कि दिन और रात किस तरह से वकू पजीर होते हैं प्लेनेट अर्थ पर। तो उसमें वो एक ग्लोब जो इलेक्ट्रिकली घूमता है और उसकी एक साइड पर बल्ब जल रहा होता है, तो बल्ब जला के उसको घुमाते हैं प्लेनेट को, तो बताते हैं कि देखिए जो हिस्से रोशनी में आ गए हैं बल्ब की यहां दिन है और जो रोशनी में नहीं है वहां रात है। तो रोशनी तो मौजूद है, सिर्फ जमीन घूम रही, जो हिस्सा सामने आया उस रोशनी के वहां दिन आ गया। इसका मतलब यह है कि रोशनी का वजूद तो फिर मुस्तकिल है, सिर्फ जमीन के उस हिस्से का सामने आने का है, तो वो डिपेंड करता जमीन का हिस्सा सामने कैसे आया। तो लैलतुल कद्र में भी यही मामला है, वो हमारे यहाँ लोकल कमरी तारीख और लोकल टाइम ही गिना जाएगा। इनका अगला सवाल है कि कहा जाता है कि खाने काबा कि बिल्कुल सीध में ऊपर सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, हमारी जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो बैतुल माल की सीध में का मतलब यह है कि बैतुल मामूर भी रोटेट कर रहा होगा। तो इससे तो लगता है कि बैतुल मामूर एक प्लेनेट है या ये एक प्लेनेट पर है और हमारी जमीन सूरज के गिर चक्कर लगा रही है। तो बैतुल्लाह की सीध में बैतुल मामूर का मतलब वो भी किसी के गिर चक्कर लगा रहा है। बराए मेहरबानी वजाहत कर दें। आप कार चलाते हैं, कार की हेडलाइट छोटी सी है लेकिन अगर आप कार से आधे मील आगे की जगह देखते हैं तो वो न सिर्फ ये कि पूरी सड़क बल्कि सड़क के दोनों तरफ तकरीबन कोई 50-50 फुट का एरिया भी रोशन होता है। सूरज इतना सा है लेकिन जमीन से कई हजार नूरी साल के फासले पर है, वहां से उसकी रोशनी
तरह फैली हुई है, ये जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है वो उसकी रोशनी में है, चांद भी उसी से रोशनी लेता है, सितारे भी उसी से रोशनी लेते हैं। तो बैतुल मामूर जमीन से इस कदर बुलंदी पर है कि जमीन की रोटेशन के बावजूद उसका फोकस या उसकी प्रोजेक्शन, ये ज्यादा सही लफ्ज है, वो वहीं के वहीं रहती है। क्योंकि जिस तरह कार की रोशनी इतनी सी लाइट में से निकल के आधे मील दूर पर चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है, आपको रोशन दिखाई देती है सड़क भी और उसके अतराफ भी, तो इसी तरह उसकी प्रोजेक्शन उस पर रहती है। उसमें ये नहीं है कि बैतुल मामूर एक प्लेनेट पर है, ऐसा नहीं है। इनका अगला सवाल ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जब रब ने कह दिया कि हर इंसान का रिस्क मुकर्रर है, तो दुआ करने से या करवाने से रिस्क कैसे बढ़ सकता है? जो चीज फिक्स है वो तो फिक्स है, दुआ करने से बरकत आती है और इंसान को तसल्ली और इत्मीनान मिलता है। वजाहत करें, आदमी का रिस्क फिक्स है जैसे आपने फरमाया, तो ये क्या होता है कि मैं काहिल आदमी हूं, कामकाज नहीं करता? तो वो तमाम क्लास फेलोज जिन्होंने मेरे साथ तालीम मुकम्मल की थी, उनमें से कोई 70 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, कोई 80 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है इस वक्त, और मैं वही लॉर्ड विन क्लार्क का लॉर्ड विन क्लार्क बैठा हुआ हूं। तो ऐसा भी नहीं कि मेरे सारे क्लास फेलो 80 लाख ही तनख्वाह ले रहे हों, उनमें भी वेरिएशन है। जो बिजनेस में गए उनमें से भी कोई बिजनेस के किसी मकाम पर जा पहुंचा, कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा, कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा, तो फिर वो क्या है? असल में रिस्क मुकर्रर है से मतलब समझना पड़ेगा कि इससे रब ताला का मतलब क्या है, कि हर शख्स को रिस्क मिलेगा उसकी खुदाई में, और वो रिस्क मिलकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये फिक्स से मुराद वो है, और अगली बात उसने कुरान में ही क्लियर कर दी कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अब इन दोनों बातों को मिला के पढ़ लीजिए। इसलिए हमेशा यहां जब कोई साहब कहते हैं कि इस आयत की वजाहत कर दें, तो मैं माजरत कर लेता हूं कि किसी भी आयत को हम इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उससे मुतलका और बहुत सी चीजें कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मुख्तलिफ आयात की सूरत में आई होंगी, तो हमें उस आयत से वो जो मुतालिक दूसरी आयात हैं उनको उसके साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, तब उसकी तशरीह होती है, उसकी तफसीर होती है। अगर रिस्क के फिक्स होने को उन मायनों में हम ले लें जिन मायनों में हम
دنیا میں اپنی زبان میں فکس کہتے ہیں کہ مقرر ہے کہ آپ کی تنخواہ 1000 روپے مقرر ہو گئی, اب وہ 1000 روپے ملنی ہے. ان معنوں میں نہیں لے پائیں گے, ہم ان معنوں میں لیں گے کہ ہر شخص کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور یہ طے ہے کہ رب تعالی کی خدائی میں رہنے والے ہر جاندار کو اس کا حصے کا رزق ملے گا. اور اس کے بعد پھر یہ بات کہنے کے بعد اس کو مشروط کر دیا ہے کہ وہ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے رزق چاہیے وہ تو ملے گا اس کو, لیکن اس میں اضافہ اور کمی مشروط ہے اس کی محنت کے ساتھ. یہ اس کو اس ریفرنس سے دیکھیے, پھر کلیئر ہو جائے گی آپ کے بات. آپ نے بہت لوگ دیکھے, میں نے دیکھے ہیں زندگی میں, آپ کو میں نہیں کہہ سکتا, یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو کام کاج بالکل نہیں کرتے لیکن زندہ ہیں مزے سے, کہیں نہ کہیں سے رب ان کو رزق فراہم کر رہا ہے. اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو دے دو اتنے پیسے, اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دیا اس کو کپڑا دے دو. تو ایسے لوگ جو کام کاج نہیں کرتے, آپ کو کافی ویل ڈریس بھی نظر آئیں گے اور کھاتے پیتے نظر آئیں گے آپ کو. تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا, خود تو نہیں زمین پر اترتا لیکن اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا کہ میرے اس بندے کو یہ دے دو. تو یوں وہ رزق ان کا بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے ارد گرد مثالیں بہت ملیں گی کہ کام کاج کچھ نہیں کرتے, ساری عمر وہ گزارا کر گیا اسی طرح, پلتے رہے, ان کی اولاد بھی پڑ گئی, ان کی اولاد بھی پلتی رہی, خود بھی پلتے رہے. تو جو رزق ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے, وہ اس نے دینا ہے, لیکن اس کو پھر اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ اس کے اندر افراط و تفریط مشروط ہے انسان کی محنت کے ساتھ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں دربار عام اور روضہ مبارک میں دربار خاص سجتا ہے, اس بارے میں کچھ کہیے. ان کے بارے میں ٹو اسٹارٹ وتھ, وہی آدمی کہے گا جو ولی اللہ ہے, کسی مقام پہ پہنچا ہوا ہے. تو مجھ جیسا انسان کیا آپ سے عرض کر پائے گا, ایک تو پہلی یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس کو ایکسیس ہے وہاں تک کی, اللہ نے اس کو اتنا بڑا ظرف دیا ہے کہ وہاں کی بات کہیں باہر کرتا نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ باتیں راز کی ہیں وہ نہیں بتائی جا سکیں گی, تو اس لیے اس کے لیے تو میں معافی چاہتا ہوں. اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ایک طرف بہت شدت سے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیتے, تو دوسری طرف ہم اپنی موجودہ حالت اور عمل دیکھتے ہیں تو شرمندگی کا گہرا احساس آن گھیرتا ہے کہ ایک اچھے امتی والی ایک خوبی بھی اندر موجود نہیں, اتنا تضاد کیوں ہے ہمارے اندر.
एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जनाब कद्दूस गंगोही साहब, उनके अकीदतमंदों की और मुरीदैन की तादाद बहुत बड़ी थी। एक बार उनके एक ऐसे मुरीद आए जिनके पांव में जूता नहीं था, तो जनाब गंगोही साहब ने देखा कि वो नंगे पांव हैं और दूर से आता चल के, तो अपना जूता उन साहब को दे दिया कि ये जूता पहना करो। अगली बार जब वो मुरीद हाजिर हुए खिदमत में तो देखा कि फिर नंगे पांव हैं, तो आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें जूता दिया था कि तुम नंगे पांव ना फिरो, तो नंगे पांव फिर रहे हो, तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे। तुमने कहा कि हजूर बात यह है कि आपके साथ जो अकीदत है मेरी और जो एहतराम है मेरे दिल में आपका, वो इजाजत नहीं देता कि मैं जो जूता आपके पांव में रहा उसमें अपना पांव डाल दूं, तो मैं तो उसको सर पे लेकर फिरता हूं। तो जनाब गंगोही साहब ने एक सवाल उस मुरीद से पूछा कि ये बताओ, हुक्म अवलियन हैसियत रखता है या अकीदत? तो वो साहब जरा गड़बड़ा गए, लेकिन दूसरे एक मुरीद ने कहा कि हजूर हुक्म को फजीलत है अकीदत पर। तो फरमाया कि फिर मेरे हुक्म की तामील करो, जूता इस्तेमाल किया करो। यहां भी कुछ किस्सा ऐसा ही है हमारे लिए कि हमारी मोहब्बत और हमारा इश्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ते वक्त हमें उधर को ले जाता कि काश हम उस वक्त पैदा हुए होते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी निछावर करते। ये इश्क है, मोहब्बत है, अकीदत है जिससे ये काश पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए, आपके फरमुदात की पैरवी की जाए, वह हमसे उस मुरीद की तरह होता नहीं है। हम वो तो चलिए अकीदत के मारे हुक्म अदूली कर रहा था, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उधर तवज्जो नहीं दे पाते। इसलिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करेंगे तो फिर हमें ईसार और कुर्बानी से काम लेना पड़ेगा। मैं जब रिश्वत ले रहा होता हूं तो बारहा ख्याल आता है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन जब वो बात याद आती है तो ये मुझे रिश्वत लेने से रोक नहीं सकी आज तक बात, इसलिए कि फौरन ख्याल आता है कि अगर मैंने इस डर से रिश्वत ना ली तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तो मैं फौरन रिश्वत के पैसे पकड़ के जेब में डाल लूंगा। जब मैं किसी का हक मार रहा होता हूं तो मुझे यकीन याद आता है कि इसकी सजा क्या है, लेकिन फिर यह ख्याल आता है कि अगर मैंने इसका हक ना मारा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो पीछे रह जाने का डर मुझे वो बात मानने नहीं देता। उम्मती तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन सवाल यह है, एक बार एक साहब ने मुझसे सवाल एक पूछा, उन्होंने किस्सा सुनाया। उन दिनों जनाब जनरल जियाउल हक साहब जिंदा थे और सऊदी अरेबिया कसरत से जाते थे, हर मरतबा रौज़ा मुबारक में दाखिले की सआदत उन्हें हासिल हो जाती थी। तो वो साहब थे सिविल सर्वेंट, रिटायर हुए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि देखिए, वो अखबार में था कि जनाब जनरल जियाउल हक साहब को सआदत नसीब हुई कि रौज़ा मुबारक में के अंदर दाखिल होके हाजिरी दी है। तो उन्होंने कहा कि मैं जनरल अयूब खान के साथ होता था, तो जनरल अयूब एक बार मदीना मुनव्वरा गए तो उनके लिए रौज़ा मुबारक का दरवाजा खोला गया और उनसे कहा गया कि आप अंदर जाके ज़ियारत कर लीजिए। तो उन्होंने कदम उठाया, एक कदम उनका अंदर था और एक बाहर, तो फौरी तौर पर लौट आए, वापस आ गए। वो नहीं गए अंदर। तो कहने लगे कि मैं नहीं समझता मैं इस लायक हूं कि मैं अंदर दाखिल हो सकूं। तो ये उसकी बदनसीबी नहीं थी। तो मेरे जहन में उस वक्त एक ही जवाब आया कि शायद अय्यूब खान जहनी तौर पर ज्यादा बड़ा आदमी था कि जिसको अपने गुनाहों का इतना एहसास था, जिसको ये एहसास था कि मैं ऐसा नालायक उम्मती हूं कि जो गुनाहों से बाज नहीं आता, तो मैं कैसे मुंह दिखाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बात यह है कि ये जिस दिन हमारे अंदर ये एहसास जागेगा कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर, कि हम वो उम्मती हैं जिन्होंने बड़ा सिलेक्टिवली अमल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर, तो फिर ये चीज खत्म हो जाएगी, हम एक अच्छे उम्मती बन जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पे अमल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे। इनका अगला सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका बता दीजिए और ऐसा कर दीजिए कि दिल, रूह, ख्वाहिश, ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से कभी किसी लम्हे निकल ही ना सके। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरे को सजेशन दे देने का, दूसरे को नसीहत कर देने का। वो तो मैं कर दूंगा फौरी तौर पे, क्योंकि सबसे आसान काम है दुनिया का। लेकिन ये जो आपने अगला हिस्सा फरमाया कि ऐसा कर दीजिए कि दिल, रूह, ख्वाहिश, ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से कभी किसी लम्हे निकल ही ना सकता हो, तो अर्ली 70s में मोइन अख्तर ने टीवी पर एक जोक सुनाया था कि कोई गरीब आदमी तरबूज ले आया था, काटा तो जिन बरामद हो गया। तो उसने कहा कि ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं तुम्हारी, बोल दो। तो उसने सोच सोच के कहा कि मुझे एक आलीशान महल बना दो। तो जिन ने कहा कि पागल हुए हो क्या, अगर मैं महल बना सकता होता तो खुद तरबूज में रहता। तो हजूर, अगर मैं ऐसा कर सकता होता तो मैं खुद अपने लिए ना कर लेता। ये तो मेहनत से ही होगा। मैं यहां तशरीफ लाने वाले हजरात से हमेशा एक बात कहा करता हूं,
कि रब ताला के निजाम में मेहनत पहले है और दुआ बाद में है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दुआ पहले और मेहनत बाद में अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो, वो भी मशरूत है कि अगर बिल्कुल ही नागुजीर हो जाए तो कर लेंगे मेहनत, वरना दुआ से काम चलाते रहिए। ये काम भी मेहनत से ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में महव रहिए तो ये चीज आप में पैदा हो जाएगी। तरीका बता देता हूं मैं। इनका अगला सवाल, माफ कीजिएगा, आपके 5 मिनट फालतू ले गया मैं, इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार बाकी हिस्सा इनका, उसके सवालों के जवाब अर्ज कर दूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।